तो रिलेशंस के बाद अब अपन बात करेंगे किसकी, फंक्शंस, फंक्शन की बात करने वाले। तो इसमें लिखिए वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। सर रिपीट करना। वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, वी हैव टू सेट्स ए एंड बी। We have two sets A and B. Then the Cartesian product of these sets, Cartesian product of these sets is A cross B. आ रही बात समझ में? तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो अपन ने देखा ही है कि कभी भी अगर दो सेट दे रखे तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो अपन ने देखा हो। ये क्लियर है वाली बात, अपने पास दो सेट गिवन है ए और बी और उनका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ए क्रॉस बी। देन Every subset of A cross B, Cartesian product of A and B, A cross B, every subset of A cross B represents a relation. क्या सर? Then every subset of A cross B represents रिलेशन, ए क्रॉस बी के कोई भी सबसेट उठा लेना इसमें से वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। सम ऑफ दीज रिलेशंस है ना, इन रिलेशन में से कुछ एक जो रिलेशन होंगे, सम ऑफ these relations, some of these relations under some particular condition, under particular condition becomes function, है ना? इन relation में से, इनमें से कुछ एक ऐसे relation होंगे, some of these relations under some particular condition, है ना? Under particular condition becomes function, है ना? मतलब रिलेशन पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर अपन अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा, फिर उसको अपन क्या बोल देंगे, दैट इज अ फंक्शन। क्लियर है वाली बात? अरे आया क्या समझ में? यस सर। सम ऑफ दीज रिलेशंस अंडर पर्टिकुलर कंडीशन represents या becomes function। clear है वाली बात बेटा जी? इसका मतलब ये हुआ कि all the functions are, आगे लिख भी लो, all the functions are relation, all the functions are relation, है ना? सारे function क्या होते हैं, relation होते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, relation में, relation पे तो कुछ particular condition लगेगी तो वो बनेगा, but सारे के सारे relation function होंगे क्या? नो सर। ओके। अपने बोल दिया कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट कलिया क्या नोट डाउन बेटा जी? Yes, every function is a relation, but every relation is not a function. Okay? उसके बाद लिखो definition of function.
Done, sir. Okay, now down. Yes, sir. Every function is a relation, but every function is not a function. ठीक है ना? Okay. उसके बाद लिखिए definition of function. Definition of function. कि relation जो है, उसपे क्या condition लगेगी, तो वो function बनेगा. तो लिखिए इसमें. Let A and B are two sets. A and B are two sets. Two sets. Then a relation defined from A to B. अपन ने क्या किया, दोनों सेट में क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया A to B such that each element of set A such that each element of set A is associated with a unique element of set B, a unique element of set B, then that relation is known as function from set A to B. तो इसमें पर्टिकुलर कंडीशन क्या हुई कि सेट ए का ईच एलिमेंट है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट वो लिंक्ड होने चाहिए, वो एसोसिएटेड होने चाहिए किसके साथ, ए यूनिक एलिमेंट. एक तो ये यूनिक एलिमेंट और ये वाला जो है ईच एलिमेंट, इन दोनों को अंडरलाइन कर लेते, ठीक है ना, कि सेट ए का ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. मतलब ये कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट जो है वो दो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट, क्योंकि रिलेशन में तो अपन ने क्या देखा था, रिलेशन में तो अपन ने देखा था कि अगर ये अपने पास 1 2 दे रखा और ये अगर अपने पास में 2 3 दे रखा है, तो अपन क्या कर सकते थे, 1 का लिंक जो है वो 2 के साथ भी हो सकता है और ये 1 का 3 के साथ भी हो सकता है, वो तो रिलेशन था. लेकिन अगर ऐसा हो गया 1 2 के साथ भी लिंक हो रहा है और 1 3 के साथ भी लिंक हो रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा. क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर. ओके. यस सर. जब बात दो दो जगह पे चल रही होती है तो फिर फंक्शन नहीं होता, फिर झगड़ा ही होता है भी. यस सर. क्लियर है ये? ओके, डायग्राम से और रिप्रेजेंट कर देते हैं. वैसा ये अपने पास में तेरे का सेट ए, ये अपने पास में तेरे का सेट बी, ये हो गया मान लो ए बी सी डी, और इधर उसने दे दिया 1 2 3 4.
तो उसने लिख दिया वन को वन के साथ कर दिया, बी को थ्री के साथ कर दिया, सी को टू के साथ कर दिया और डी को फोर के साथ कर दिया। ओके चलिए भाई दूसरा इधर एक और देख लेते हैं। ये सेट ए और ये वाला सेट मान लो बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया वन टू और थ्री हो गया। ए बी वन के साथ लिंक हो गया, बी भी वन के साथ लिंक हो गया, सी जो है वो क्या हो गया टू के साथ लिंक हो गया और डी मान लो थ्री के साथ लिंक हो गया। सारी बात समझ में। तो इसको अगर अपन बात करें कि ये वाला जो भी है ये फंक्शन है क्या, फंक्शन डिफाइनिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फंक्शन होगा क्या? देखिए जरा सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, एक एक कितने एलिमेंट के साथ लिंक हो रहा है इधर, एक एलिमेंट के साथ लिंक हो रहा है। बी किसके साथ लिंक हो रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ लिंक हो रहा है। सी भी एक ही एलिमेंट के साथ हो रहा है। डी भी क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ। और ए के सारे एलिमेंट लिंक हो रहे हैं क्या, एसोसिएट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाला ए से बी एक फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके इसी में अगर मैं बात करूं कि बी से ए में ये फंक्शन है क्या, बी से ए में फंक्शन है क्या, देखते हैं जरा। वन एक के साथ ही लिंक हो रहा है, टू एक के साथ है, थ्री भी एक के साथ ही हो रहा है और फोर भी एक के साथ हो रहा है। और बी के सारे एलिमेंट लिंक हो रहे हैं क्या, सारे एसोसिएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बी से ए में भी क्या है, एक फंक्शन। क्लियर है वाली बात? तो इसको चाहे ए से बी में देखो चेक करो, चाहे बी से ए में चेक करो, ये दोनों ही कंडीशन में क्या है, फंक्शन है। ओके इस वाले में देखते हैं भाई साहब, इसमें एफ ए से बी में चेक करते हैं कि ए से बी में एक फंक्शन है या नहीं। देखिए जरा ए कितने एलिमेंट से लिंक्ड है, वन के साथ। बी जो है वो क्या हो रहा है, वन के साथ। अब देखिए, अब कोई कह देगा कि सर ये वन जो है वो ए और बी दोनों के लिए क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अरे भाई साहब, जब ए को बताया गया था कि तेरे लिए कौन बैठा है, वन बैठा हुआ है, तो ए को तो बेचारे को तो ये पता था ना कि वन किसके लिए है, मेरे लिए है। उसको ये पता थोड़ी ना था कि उसकी तो बातचीत जो है वो बी के साथ भी चल रही है। आ रही क्या बात समझ में? तो ए खुश होकर के बैठा हुआ है कि मेरे लिए यूनिक वन है, और बी भी खुश होकर के बैठा है कि मेरे लिए यूनिक वन है। वो तो वन को पता है ना कि मैं यूनिक नहीं हूँ। आ रही बात समझ में? उनके पास दो दो हो गए। अरे समझ पा रहे हो ना? S7 के पास दो दो। तो फंक्शन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल करके कुछ गड़बड़ होगी तो देखी जाएगी, है ना। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, इसीलिए बोला गया है कि सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक यूनिक से, मतलब एक एक एलिमेंट से ही लिंक्ड होना चाहिए। तो ए जो है वो वन के साथ लिंक हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी वन से है, सी भी एक एलिमेंट से हो रहा है और डी भी एक एलिमेंट से हो रहा है, और सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं इससे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से बी ए के वेल डिफाइंड फंक्शन। ओके नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं बी से ए में डिफाइन करने की बात करूं, तो इस बार सेट पहला सेट जो है वो क्या हो गया, बी हो गया। इसका मतलब देखिए जरा, वन जो है वो क्या हो रहा है, दो एलिमेंट से लिंक, एलिमेंट का मतलब ये वाला फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके यस सर। एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया वन टू, ठीक है ना। ए वन के साथ लिंक हो गया और बी मान लो टू के साथ लिंक हो गया। ये फंक्शन है होगा क्या, फंक्शन ए टू बी होगा क्या, ए से बी में फंक्शन होगा क्या? सर जो सी है वो तो लिंक बी टू ए होगा। ईच एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट, इसका मतलब ईच एलिमेंट तो नहीं हो रहा भाई साहब। इसमें तो एक एलिमेंट जो है वो बेचारा अकेला बैठा रह गया, सी सी अकेला बैठा थोड़ी ना रह जाएगा। अब तीन भाई है, दो भाइयों की शादी हो गई, तीसरा बैठा हुआ है, तो उसको ये फंक्शन थोड़ी ना भाएगा। वो कहेगा ये क्या, कौन सा फंक्शन, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्लियर है वाली बात? यस सर। इस बात का वास्तविकता से कोई लेना, ठीक है ना। ओके तो ये हो गया एफ ए टू बी, ठीक है ना। एफ ए टू बी ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन होगा क्या, ए से बी में एक फंक्शन हो जाएगा ये। दो एलिमेंट है और दोनों यूनिक से लिंक्ड है। बी जो दूसरा वाला जो सेट होता है अपना, सेकेंडरी जो सेट होता है, उसके एलिमेंट्स जो है वो रिमेनिंग रह जाए, भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सब हर ईच एंड एवरी एलिमेंट से एसोसिएट हो, ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। नोट डाउन कर लो जल्दी से।
डांसर चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ functions, तो इसमें लिखो यूजुअली फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज क्या लिखना है सर द फंक्शंस आर usually functions are represented as pehla algebraically represented as matlab algebraic form mein ho sakta hai algebraically, दूसरा हो सकता है सेकेंड वन इज ordered pair की फॉर्म में हो सकता है और नेक्स्ट हो जाएगा graphically। ये तीन फॉर्म होगी इन जनरल किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर, है ना, जिसमें ये एल्जेब्रिक फॉर्म जो है ये तुम लोग पहले से देख चुके हो। आ रही बात समझ में? यस सर। कब देखा भाई, कहां देखा? आपने तो देख लिया होगा सर। हाँ, ये तुम लोगों ने पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, एफएक्स इज इक्वल्स टू पीएक्स इज इक्वल्स टू क्यूएक्स इज इक्वल्स टू, इस टाइप से देखा होगा तुम लोगों ने। तो एक्चुअल में क्या था? वो एक फंक्शन ही था, उसको रिप्रेजेंट किया। और ये रे वाली बात भी फंक्शन था। ये रे बेटा जी। यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए भी इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ algebraic representation of functions। algebraic representation of functions algebraic representation of functions। तो इसमें अपन बोलेंगे let
A and B are two sets. Let A and B are two sets, then a function f defined from A to B is represented as f is defined from A to B such that y is equals to fx. Where fx is some expression in x. fx जो है वो x में क्या दिया हुआ, कोई भी एक expression. For example, x square plus 1, x plus 1, square root of x, etc. So, sum आगे क्या है सर वो? Where fx is sum? Where fx is some expression in x. हो गया सर. ओके चलिए अब अपन बोलेंगे in the representation y is equals to fx, x is independent variable, but it can take the values from set A only. X को अपन क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे यहां पे. X जो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर फंक्शन की जब बात हो रही है तो उसके अंदर जो भी x की जो भी वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? ओनली फ्रॉम द सेट ए. ओनली फ्रॉम द सेट ए. क्लियर है ये वाली बात? डन सर. तो दोबारा बताना इसका मतलब. अरे बेटा जी, सेट ए से बी में डिफाइन कर रहे हैं अपन फंक्शन. हाँ ठीक है ना. इसका मतलब ये तो हुआ ना कि अपन fx जो भी है उसके अंदर अपन x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो अपने को y की वैल्यू मिलती जाएगी. इसका मतलब ये तो हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो भी फंक्शन है, ये वाली वैल्यू जो है वो ये x है ना, ये वाली x की वैल्यूज मिली और यहाँ पे ये बहुत सारी वैल्यूज रखी है. जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी मान लो, तो 1 पे इसने जो भी वैल्यू दी उसको अपन इसके साथ मीन कर दिया.
उसने वाई की वैल्यू दे दी, उसकी वाली वैल्यू रखी, उस पे जो भी वैल्यू आई उसको उसके साथ लिंक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि x जो है वो क्या है तो इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसके अंदर सारी वैल्यूज जो भी अपने पास में अवेलेबल वैल्यूज है वो सारी अपन क्या कर सकते हैं, उसको पुट कर सकते हैं। ओके क्लियर है वाली बात? तो है तो उसको अपन बोलेंगे तो क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन उसके लिए भी सेट फिक्स तो है। हां वो, और वो सेट कौन सा है? सेट ए, जो भी पहला वाला सेट होगा उसके एलिमेंट्स रख सकते हैं उसमें अपन सारे के सारे। ओके सर क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, एंड एंड वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x की वैल्यू पे, क्योंकि x की वैल्यू अपन पुट करेंगे तभी तो y का वैल्यू मिलेगा। क्लियर है वाली बात? एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है वाली बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन a to b define as such that y is equals to fx, तो इसमें x belong करेगा कहां से कहां तक? x is belonging to a and y is belonging to the set b। clear है वाली बात बेटा जी? Yes sir। Yes sir। ओके अगर तुम्हें ऐसा बोला उसने, एग्जांपल लेकर के पूछना चाह रहा है वो कि फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, सच दैट fx is equals to x plus 1। तो बताइए जरा ये फंक्शन है कि नहीं है? इधर ये नेचुरल नंबर पड़े हुए सारे के सारे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर में ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 1 पुट किया तो 1 पे क्या देगा? 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5। इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट जो वो क्या हो रहे हैं, सेट से लिंक हो रहे हैं भाई। यस सर। और यूनिक से लिंक हो रहे हैं। क्लियर है वाली बात बेटा जी? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फंक्शन fx इज अ फंक्शन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके बढ़े क्या उसके बाद आगे? नेक्स्ट, जैसे फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर इज सच दैट fx is equals to x minus 1, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नो सर। नहीं होगा? क्यों नहीं होगा सर? पहले मैं वो 0 दे रहा है सर, 1 रखती। ओके 1 डालें अवेलेबल है 1 2 3 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जैसे 1 पुट किया, वन किसी के साथ लिंक नहीं हो रहा है, जैसे टू पुट किया तो टू वन के साथ हो रहा है, थ्री टू के साथ हो रहा है, फोर थ्री के साथ हो रहा है, ये एन टू एन। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट जो है वो किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? नॉट अ फंक्शन। ये रे वाली बात बेटा जी? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू होल नंबर सच दैट fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, क्या ये फंक्शन है? नेचुरल नंबर टू होल नंबर में डिफाइन है। यस सर। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा भाई,
क्यों जाएगा? क्योंकि एक साइड तो दे रखा है 1 2 3 एंड सो ऑन, और दूसरा हॉल नंबर दे रखा है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो 1 पे 0, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 3 है ना, नेचुरल नंबर से हॉल नंबर में. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन. बेटा जी, यस सर. ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर, है ना, पॉजिटिव रियल से रियल में डिफाइन है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. Fx is equals to सर है फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन हो जाएगा, सही बात है. तीरे वाली कहानी, यस सर. ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी पे, अलजेब्रिक फॉर्म पे क्वेश्चन देखते हैं छोटी सी. या कुछ हद तक आइडिया हो गया अपने को कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ये आइडिया हो गया अपने को. ओके, क्वेश्चन नहीं जा रहा. लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 to the power x minus 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 to the power x इज डिवाइडेड बाय 4 to the power x minus 2. Then find the value of f of x plus f of 1 minus x, इसका value find out करना है. तो देखिए भी basically करना क्या है अपने को, f x तो given ही है, f x का value यहाँ पे रख देंगे, f of 1 minus x इसका मतलब उसमें f x के अंदर, f के अंदर जैसे अपन 1 2 3 4 5 पुट करते हैं x का वैल्यू, वैसे इसने x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस बार 1 minus x सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो देखिए जरा, fx अपने पास गिवन ही है, fx इज 4 टू द पावर x और 4 टू द पावर x minus 2, तो वैसे f of 1 minus x कितना हो जाएगा भाई, x को रिप्लेस कर दिया 1 minus x से, तो जहां भी x दिख रहा है वहां पे रिप्लेस कर दो x को 1 minus x से, 4 टू द पावर 1 minus x minus 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को ऐड करके फटाफट से बताओ क्या आएगा,
क्या आएगा भाई? इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं पहले, तो जाएगा 4 टू द पावर 1 इनटू 4 टू द पावर माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय सिमिलरली हो जाएगा 4 टू द पावर 1 इनटू 4 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको क्या लिख सकते हो भी, 4 अपॉन कितना आ जाएगा ये 4 टू द पावर प्लस एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स माइनस 2। एलसीएम ले लीजिए जरा, तो हो जाएगा 4 अपॉन 4 टू द पावर एक्स इज डिवाइडेड बाय, जैसे यहां पे एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 4 माइनस ट्वाइस ऑफ 4 टू द पावर x इज डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x से 4 टू द पावर x कैंसिल आउट हुआ, तो क्या 4 अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इनटू 4 टू द पावर x, तो ऊपर से 2 कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा 2 अपॉन कितना 2 माइनस 4 टू द पावर x। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस अच्छा एक सेकंड बेटा, यहाँ पे प्लस कर लेना भी है ना, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है।